Hello friends, welcome to my channel English with Baby Life. Today I'm going to share a very interesting structure for you which will be useful for your daily life situation. So let's start. जब हमें sentences बोलने हो like सिर्फ उसका नाम सुनकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं या फिर किस चीज़ से आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पापा को देखकर तुम्हारे हाथ पैर ठंडे क्यों पड़ जाते हैं, तो तब हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे Make someone's blood run cold और make someone's blood freeze. इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ओके? इसका मतलब होता है टू मेक someone फील suddenly वेरी frightened और worried. मतलब कोई भी चीज़ जो उस पर्सन को एकदम से डरा देती है या उसको चिंता में डाल देती है, तब हम ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ओके? एग्जाम्पल देखते हैं. सिर्फ उसका नाम सुनकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं. Just hearing his name makes my blood run cold. और जस्ट हियरिंग हिज नेम मेक्स माई ब्लड फ्रीज. पापा को देखकर तुम्हारे हाथ पे ठंडे क्यों पड़ जाते हैं जब हम स्ट्रिक्ट होते पापा, तो वाई डज साइट ऑफ डैड मेक योर ब्लड फ्रीज. और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं वाई डज योर ब्लड फ्रीज एट द साइट ऑफ डैड और वाई डज योर ब्लड फ्रीज अपॉन सीइंग डैड एट द साइट ऑफ डैड या फिर अपॉन सीइंग डैड, वो था करेक्ट. जब उसने भयंकर मर्डर सीन देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए. When he saw gruesome murder scene, it made his blood freeze. When he saw gruesome murder scene, it made his blood freeze. या फिर his blood froze. जब उसने खिड़की के पास किसी की परछाई देखी तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए. When she saw someone's shadow near the window, it made her blood freeze. When she saw someone's shadow near the window, it made her blood freeze. किस चीज़ से आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं? What makes your blood run cold और what makes your blood freeze? इसका आंसर भी अगर आप चाहें तो कमेंट से शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट से ज़रूर बताइएगा. कल रात को डरावनी मूवी देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.